आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कृष्ण चित्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कृष्ण चित्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आपका फ्रेंड आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण चित्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहां स्थित है? आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कटक में स्थित है। कटक आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स सही आंसर कटक हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिए, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावटें आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? आपको फ्रेंड्स बताना है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, तूफानी मौसम का संकेत मिलता है। मृदा सुधारक है, मृदा सुधारक है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिप्सम है जो मृदा सुधारक होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4, यहाँ पर 2H2O, और जब इसको गर्म किया जाता है देन इससे प्राप्त होता है आपको POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? सभी मेरे प्यारे दोस्त फटाफट से आंसर देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आपको फ्रेंड्स बताना है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शाकनाशी नहीं है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी, नाइट्रोजन है। फ्रेंड्स ये आपकी नाइट्रोजन है जो शाकनाशी नहीं होती है। नाइट्रोजन क्या करती है? मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा यकृत। पीलिया रोग है यकृत भाग को प्रभावित करता है। आपका फ्रेंड्स यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं? लाइकेन जिन दो पौधों के वर्ग से मिलकर बनता है वे हैं? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कवक व शैवाल है। आपका फ्रेंड्स कवक व शैवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। बैटन फ्रेंड्स के बेटा पंच कीजिएगा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन नंबर तरंग दैर्ध्य सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमगादड़ों द्वारा पराग कण क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा पराग कण क्या कहलाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, चमगादड़ों द्वारा पराग कण क्या कहलाता है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर कीजिएगा, चेरोप्लेटोफिली कहलाता है। चेरोप्लेटोपेटोफिली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। आपका फ्रेंड्स सही आंसर संपूर्ण फल है जो टमाटर का खाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, सबसे अधिक निम्न में से सबसे अधिक प्रत्याशा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्याशा किसकी होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्याशा किसकी होती है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इस्पात की प्रत्याशा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? आपका फ्रेंड्स करना चाहिए नियासिन है जो रक्त अल्पता का कारण नहीं है। नियासिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? मनुष्य के शरीर के कुल वजन में
खनिजों का प्रतिशत कितना होता है आपका फ्रेंड सेंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक 4% होता है, 4% आपका सेंसर हो जाएगा। पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है आपका फ्रेंड सेंसर होगा, ऑप्शन नंबर दो लीवर भाग में, आपका ऑप्शन नंबर दो लीवर भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है आपका फ्रेंड सेंसर होगा ऑप्शन नंबर एक स्पाइर, यहाँ पर स्पाइराकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन नंबर आपका स्पाइराकार गैलेक्सी के रूप में करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा उत्पन्न होती है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन से आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है आपका फ्रेंड्स करेक्ट होगा क्या, ऑप्शन नंबर 2 एड्रेनल हार्मोन है जो यहाँ पर लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है माँ के स्तन में दूध को उतारने का काम करता है, इंसुलिन हार्मोन है जो क्या करता है शुगर को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे फ्रेंड्स का स्वागत है ध्वंसी सक्सेस पॉइंट में, जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, साइक्लोट्राई मिथिलीन ट्राइनाइट्रामाइड है जो आपका क्या नहीं है यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा किस विटामिन में कोबाल्ट होता है आपका फ्रेंड्स, विटामिन B12 है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है और इसके नाम में भी साइनोकोबाल्मिन है जो यहाँ पर इसके बारे में बता रहा है कि ये किससे है ना, यहाँ पर कोबाल्ट का जो हिस्सा है भाग है इसके अंदर पाया जाता है। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया आपको फ्रेंड्स बताना है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया आपका फ्रेंड्स आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश के प्रकीर्ण के लिए सीवी रमन को यहाँ पर नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1930 में। सीवी रमन के नाम पर ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में विद्युत ऊर्जा, एक प्रोटोन को दूसरे प्रोटोन, ये प्रोटोन है फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक प्रोटोन को दूसरे प्रोटोन के पास लाने में विद्युत ऊर्जा आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये प्रोटोन है कि एक प्रोटोन को दूसरे प्रोटोन के पास लाने में विद्युत ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के का कार्य है, विटामिन के का कार्य है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा विटामिन के का कार्य है, विटामिन के का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का कार्य होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोकैविनोन होता है। नपुंसकता दूर करना विटामिन ए का काम है और यहाँ पर श्वसन को सुचालित करना यहाँ पर क्या है, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन है उसको सर्कुलेट करना है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, विटामिन के रक्त का थक्का जमाती है। नेक्स्ट आपके लिए पोटाशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, पोटाशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या,
यस फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा पोटाशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? आपका फ्रेंड्स मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर आपका एक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूबते सूरज का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? डूबते सूरज का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा प्रकीर्ण के कारण, ऑप्शन नंबर दो प्रकीर्ण आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए मोटर कार साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपका बेटा मोटर कार का साइड मिरर किसको कहते हैं? जो ड्राइवर सीट की तरफ होता है, क्या होता है? ड्राइवर सीट की तरफ है जो मिरर लगा होता है उसको क्या कहा जाता है बेटे? आपका उत्तल दर्पण कहते हैं या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आपको फ्रेंड्स बताना है आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आपका फ्रेंड्स बादल ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस है वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सी गैस है वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? आपका फ्रेंड सही आंसर होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? आपको फ्रेंड्स बताना है। यस फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम है, जो क्लोरोफिल की संरचना में शामिल तत्व है। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर होगा? सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फ्रेंड्स बताना है दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम की कमी से दुग्ध जवर होता है पशुओं के अंदर। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गेहूं से संबंधित है। आपका फ्रेंड्स गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या गेहूं आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? आपको फ्रेंड्स बताना है धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा आंसर कीजिएगा धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जस्ते की कमी से धान में खेरा रोग होता है। आपका फ्रेंड्स जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थों से न होकर गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तरल पदार्थों से न होकर गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है ध्वंसी सक्सेस पॉइंट में। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार जुड़े, फ्रेंड्स ये आप चेक कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, ताकि आपको प्रत्येक दिन की सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से दी जा सके। साथ ही साथ अदर सीरीज हैं उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर पीछे की सीरीज का भी अच्छी तरह से आप रिविजन कर सकें। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा एस। आपकी तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंप लहरें कौन सी हैं? एस लहरें हैं। आपका एस सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? आपका फ्रेंड सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है, और इसमें निकल को यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है, और हाइड्रोजन जो यहाँ पर क्या हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा किस कारण होता है? आपको फ्रेंड्स बताना है दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा किस कारण से होता है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में यहाँ पर नींबू के अंदर आपका एस्कोर यहाँ पर है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल है, अम्ल यहाँ पर है
विनेगर के अंदर, सिरके के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कार्बन का अपरूप कौन सा है या कौन है, कार्बन का अपरूप कौन है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गैस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, कार्बन का अपरूप कौन है आपका फ्रेंड्स, कार्बन के तीन अपरूप हैं जिसके अंदर हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा कौन सा है, फेलोरीन है। फेलोरीन ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके, कार्बन के अपरूप हैं आपका फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक और दो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और दो आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, पेंसिल की जो लेड होती है किसकी बनी होती है आपको इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, पेंसिल का शीशा किसका बना होता है आपका फ्रेंड्स, आंसर होगा ग्रेफाइट का बना होता है आपका फ्रेंड्स, ग्रेफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपूर को सुदे कैसे किया जा सकता है, कपूर को सुदे कैसे किया जा सकता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप फ्रेंड्स क्लास को पूरा देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सीरीज का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। कपूर को सुदे कैसे किया जा सकता है, उद्रपातन के द्वारा या सब्लिमेशन के द्वारा आपका कपूर को डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट किया जाता है, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज हमारी जो यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स हैं सॉलिड से पहले जाती है लिक्विड में, देन किस में जाती है, गैसियस फॉर्म के अंदर जाती है। ऑप्शन नंबर आपका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बताना है भूपर पट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है आपका फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, देन आपका सिलिकॉन है जो सेकेंड नंबर पर पाया जाता है। यदि धातुओं की बात की जाए धातुओं में एल्यूमिनियम फर्स्ट नंबर पर एंड आयरन आपका क्या होता है सेकेंड नंबर पर पाया जाता है। तांबा का निष्करण किससे होता है, तांबा का निष्करण किससे होता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तांबा का निष्करण किससे होता है आपका फ्रेंड्स, करंशिया कॉपर पाइराइट से होता है, कॉपर पाइराइट्स के द्वारा तांबे का निष्करण किया जाता है आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स कि बेटा आंसर कीजिएगा, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है आपका बेटा, करेक्ट आंसर होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है, जो आरडीएक्स की फुल फॉर्म है आपका फ्रेंड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। डीडीटी किससे बनाया जाता है, डीडीटी किससे बनाया जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। डीडीटी किससे बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्लोरल से बनाया जाता है, क्लोरोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीडीटी किससे बनाया जाता है, क्लोरल से, ऑप्शन नंबर आपका तीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए डायनामाइट का मुख्य अयस्क क्या है, डायनामाइट का मुख्य अयस्क क्या है आपका फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर चार नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है पीतल किसका मिश्र धातु है, पीतल किसकी मिश्र धातु है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पीतल किसकी मिश्र धातु है आपका फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या, चार जस्ता और तांबा की, जस्ता और तांबा आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है आपका फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्टील को कठोर बनाने में उसमें क्या मिलाया जाता है आपका बेटा, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर चार क्रोमियम को मिलाया जाता है आपका फ्रेंड्स, क्रोमियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है आपका फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका, NaHCO3 है जो यहाँ पर क्या बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। नाइट्रिक अम्ल है ये एक्वा एशिया के अंदर पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट है ये आपका धावन सोडे का फॉर्मूला है। ऑक्सैलिक अम्ल है टमाटर के अंदर पाया जाता है। पेट्रोल किसका मिश्रण है, पेट्रोल किसका मिश्रण है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, पेट्रोल किसका मिश्रण है आपका फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर आपका चार हाइड्रोकार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है आपका फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक
कच्चा तेल है, कच्चा तेल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स देना है, वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है आपको फ्रेंड्स इससे बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा आंसर कीजिएगा वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन डी एक और दो, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों है जिनके